जैसा है। आंटी भी जा रही है, क्या ले आंटी? आंटी को टक्कर मार दी तुमने। एक पाँव दूसरा पाँव जल्दी रख देना, बैठ जाइए। मुंह आ गया आपकी जी, इधर की तरफ नहीं, यहाँ पर बैठिए आप, यहीं पर। अच्छा एक सेकंड, आपको अच्छा वीडियो आएगा 10 मिनट के बाद। व्हाट्स अप ब्यूटीफुल पीपल, क्या हाल चाल, आई होप आप सब बढ़िया होंगे मेरी तरह। सो अभी देख लो मैं कहाँ हूँ। ये है हम डल लेक में और छोटी सी बोट राइड पे जा रहे हैं। छोटी नहीं है, बड़ी है बोट, तो छोटी बड़ी सी बोट राइड पे जा रहे हैं। फटाफट से चलते हैं यहाँ पे। देखोगे अभी मेन हमारा जाने का रीज़न क्या है, मेरे को बोटिंग का शौक नहीं था, मेरे को मेन जाना है मार्केट देखने। सो अभी जा रहा हूँ मार्केट देखने। मार्केट कितनी दूर है यहाँ से? कितनी दूर है मार्केट? 2 किलोमीटर है मार्केट। एयरपोर्ट 1 किलोमीटर डेढ़ किलोमीटर है यहाँ से मार्केट, जो बोट पे जाएंगे और बोट पे ही सारा सामान ले पाएंगे। सो वही दुकानें बाहर ही लगी होती है या अंदर जाना पड़ता है? पानी के अंदर ही है, पानी के अंदर ही है वहीं पर। अच्छा अच्छा सो वैसे मेंटेनेंस की बात करूँ तो यार गंदगी तो बहुत करी हुई है। गंदगी तो बहुत है, तो नेचुरल है, मगर जो आप कह रहे हैं नहीं, ये पानी देखो ना कितना काला है, पानी देखो कितना काला है। नहीं नहीं ये शेडो है ना, ये माउंटेन का, ये इसका शेड पड़ता है। आप ऐसे हाथ से उठाओ, ओके ठीक है, आपने हाथ से थोड़ा पानी उठाओ पता चलेगा ऐसे। अभी मेरे हाथ बहुत ठंडे हैं। नहीं आपके हाथ में दिख रहा है, क्योंकि इसका ये शेडो साया है ना, ये पहाड़, इसका ये शेडो पड़ता है इसके ऊपर। नहीं आपके हाथ में दिख रहा है कि पानी व्हाइट है। सो पानी व्हाइट है लेकिन कह सकते हैं कि शेडो की वजह से थोड़ा ब्लैक दिख रहा है। और ये है ना पेड़ पौधे ग्रीन में, क्योंकि इसका भी शेडो पड़ता है, जैसे ऐसे कलर होगा। अच्छा, जैसे 2 महीने के बाद इसका कलर और ही चेंज, जैसे पेड़ों के पत्ते वत्ते गिर जाएंगे। ये जब बर्फ गिरता है पहाड़ों के ऊपर, इसका एक रिफ्लेक्शन पानी के ऊपर पड़ता है पूरा। ओके ठीक है। सो यहाँ पे देखो ये है सारी हाउस बोट। तो कल जो मैंने कहा था आपको हाउस बोट में वहाँ पे रहा था मैं रात को, उसके बारे में जो रिव्यू है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। अभी हम मार्केट में चलते हैं, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको मार्केट किधर है। बहुत ज़्यादा स्लो होती है ये। ये जो है ये सारा फ्लोटिंग लैंड है, ये सारा फ्लोटिंग लैंड है, तो इसके ऊपर मैं चाहूँ तो खड़ा भी हो सकता हूँ। अभी देखना भैया जाएंगे। तो वैसे नीचे पानी है पूरा? नहीं नहीं ये ओपन है, इसके लिए ये बांध के रखा ना ये। अच्छा आप मत जाए, मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है चलो, अगर आप पाँव रखना चाहते हैं चलो आप चल जल्दी, मतलब हल्का सा रखूंगा मैं ज्यादा, क्योंकि ये सोफा जैसा है। आप चलो ये डूबेगा नहीं, आप मिडिल में रखो पाँव, मिडिल में। शिट गीले हो गए। हाँ मिडिल में, हाँ गीले हो गए। आप चल सकते हो, सोफा जैसा है ये। देखो अगर आपको महसूस हो रहा है, कश्मीरी कहवा कॉफी नहीं, टेस्ट की गारंटी, नो टेस्ट नो पे। एक दे दो ऊपर, आप आइए। सो ये है फ्लोटिंग लैंड। अब मैं वापस जा रहा हूँ, क्योंकि इसलिए इन्होंने बांध के रखा हवा की वजह से। अच्छा, इसको पकड़ने के लिए उधर इधर ना जाए, फिर तो हम अगर बांध के रखेंगे ना इसको, ये भी बोट बोट के साथ चला जा आएगा। सो अभी देखा ये है कावा और वो थी फ्लोटिंग लैंड। और सही में उस पर मैंने पैर रखा ना जैसे ही, तो वो दब रही थी लेकिन मैं खड़ा हो सकता था उस पर। बहुत सारी जगह आप आराम से चल सकते हो। तो ये चीज बंगस वैली में भी है। बंगस वैली है आगे, ये कश्मीर केरन से आगे है। हाँ बंगस वैली का जमीन वैसे ही है, पर है नहीं वो ऐसा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है, लेकिन ठीक है पी लेते हैं, अलग चीज है। सो भी देखो आगे मार्केट आ गई है।
सो ये देखो कि ना यहाँ पे कई मार्केट्स खुली हुई हैं, शॉप्स खुली हुई हैं, कई बंद है। ये कपड़ों की मार्केट है। नहीं नहीं नहीं, अंदर मैंने जाके क्या करना है। सो यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है। सो इनके आने के, जब यहाँ पे मार्केट में आते हैं जब सुबह शॉप खोलने के लिए, तो ये अपनी बोट ही लेके आते हैं, उसी में वापस चल जाते हैं। सही है, पूरी मार्केट ही पानी में ही है। सो जो डल लेक है ये फेमस इसी चीज़ के लिए है कि पानी में मार्केट है पूरी, और यहाँ पे कोई स्पेशलिटी और कुछ फेमस नहीं है, यही चीज़ इसकी फेमस है। शॉप है कश्मीर हेरिटेज, यहाँ पे बोट्स बनती हैं। सो एक बोट कितने की पड़ती है? 1.5 लाख। अच्छा, एक बोट 1.5 लाख रुपए की। तो ये वाली भी 1.5 लाख की? कौन ये वाली? ये लगभग 70-80 हज़ार बने। ये 70-80 हज़ार की वो शिकारा लेके आ रहा हूँ जो है ना, ये छत वाला। हाँ शिकारा, तो ये शिकारा है, शिकारा पड़ती है करीब 1.5 लाख रुपए की। बहुत ज़्यादा महंगी है ये बूट, बहुत ही एक्सपेंसिव है। एक स्क्वायर फुट लगभग 5-6-7 हज़ार जाता है एक फुट। अच्छा हाँ, ये भी फर्क पड़ जाता है। सो लकड़ की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करेगा जब दीवार से बनता है। ये बात तो है, पानी के अंदर। हाँ, क्योंकि उसने हर वक्त पानी में रहना है और वो खराब नहीं होए, उसके लिए तो चढ़ेगा जल्दी। उधर क्या है, वहाँ भी मार्केट? ये बहुत ही बड़ा है। अच्छा, तो मैं आपको जल्दी जल्दी दूसरी साइड से ले जाता हूँ, ओपन में लाता हूँ। हाँ, थोड़ा टाइम की कमी है ना इसीलिए। नहीं नहीं, वो तो है। सो आंटी भी जा रही है। क्या हाल है आंटी? आंटी को टक्कर मार दी तुमने? आंटी ये वो सुपर है, आंटी अभी डैमेज अलाउंस कर देती। लेकिन यहाँ की खूबसूरती सीजन वाइज डिफर करती होगी। हर एक सीजन डिफरेंट खूबसूरती होता है। हाँ ना, अलग समर में, अलग ऑटम में, अलग विंटर में, अलग। अभी एक महीने के बाद ये पूरे पेड़ वगैरह सारा लाल हो जाएंगे, ये पत्ते सूख जाएंगे, चिनार के पत्ते वगैरह। अच्छा, पूरा रेड रेड हो जाएंगे, लाल लाल। नेक्स्ट मंथ में आप सारे पेड़ों का कलर ही चेंज देखोगे, मतलब सड़ जाएंगे सारे। सारे गिर जाते ना फिर पत्ते वाते। हाँ, अभी आपको नजर कुछ नहीं पड़ता, विंटर में आपको दूर नजर पड़ेगी। अच्छा, वो पड़ेगी क्या? सारा तो व्हाइट होगा। नहीं नहीं, एक तो नजर पेड़ों का पत्ता वत्ता सारा कुछ गिरता है ना, नजर और दूर पड़ती है इंसान को देखने के लिए। जैसे आपको ये घास दिखाई नहीं दे, इसकी साइड क्या है, विंटर में आपको पूरा ये दिखाई देगा क्या है उस साइड। अच्छा, ये बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे, पूरा खत्म हो जाएगा, और ये अपने आप दोबारा उगेंगे। उग जाते हैं फिर समर में, जैसे जमीन के ऊपर घास पेड़ वेड़ उगते हैं वैसे पानी के अंदर सिंगाड़े, वाटर चेस्टनट, लोटस। सो यहीं से शॉपिंग हो जाती है, सब कुछ आप खरीद सकते हो। यहाँ पे देखो कितने, 20 रुपये। सो MRP के ऊपर ही है, कोई अलग से चार्जेस नहीं लेते। सो ये आर्मी का, अच्छा वीडियो वहाँ लिखा हुआ है। सो वैसे ही ये आर्मी का है, लेकिन वहाँ लिखा हुआ है वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं नहीं करता, तो मैं इसी तरह दिखाऊंगा। वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है ना इसकी? ठीक, सो उस तरफ नहीं करनी शूट, हमें इस तरफ करना है अभी थोड़ी देर तक, जब तक ये लोकेशन। और इन आर्मी की बोट भी है, स्पीड बोट है आर्मी की, उसके ऊपर कवर्ड किया हुआ है, दिखा नहीं सकता। सो उन्होंने, और हर गाड़ी का नंबर भी लिखा हुआ है, उसके ऊपर इनका लोगो भी लगा हुआ है, सब कुछ है। बढ़िया है ये चीज़, रिप्रेजेंट टू इंडियन आर्मी। आपने अभी फ्लोटिंग लैंड तो देखी थी, अब आपको मैं फ्लोटिंग शॉप दिखाता हूँ। ये देखो, ये सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है, टी कॉफ़ी मैगी पकोड़ा कश्मीरी शेवा केवा, और ये फ्लोट करी जा रही है। साथ में इन्होंने अपनी बोट लगाई हुई है, कुछ लेके आना होता तो उसमें ले आते हैं। सही है। सो अभी यहाँ नेहरू पार्क में हम लगाने वाले हैं अपनी, इन्होंने नाम नहीं, मैंने नाम नहीं बताया इनकी गाड़ी का नाम है, इन्होंने गाड़ी का नाम रखा हुआ BMW है ना। इन्होंने नाम रखा हुआ BMW। सो अभी हम अपनी BMW पार्क करने वाले हैं, और पार्क करके इस तरफ से चढ़ेंगे और दूसरी साइड से उतर जाएंगे। सो लेट्स गो। टक्कर लगेगी, टक्कर लगेगी। चलो मैं उस तरफ मिलता हूँ आपको।
अब मैं उस साइड से आता हूं। सो ये है, ये थी हमारी बोट। वैसे ये एक बोट होती है जो सी थोड़ी सी ज़्यादा कह सकते हैं कि वो होती है शोशा वाली बनी, तो इसलिए मुझे सिंपल चाहिए थी जो मेरे को ऊपर से ओपन मिले। यहाँ पे भी शॉप्स हैं, शॉप्स नहीं है, फोटोग्राफ करने के लिए कपड़े हैं। और बेसिकली यहाँ ये है नेहरू पार्क, जो उसके बीच में एक पार्क सा बनाया हुआ है। आप आके यहाँ पे अच्छे से कुछ फोटोग्राफ्स कर सकते हो या कुछ भी आप कर सकते हो। सो मैं लेके चलता हूँ आपको बोट पे आ गए हैं। हमारी है ये पीछे वाली, ये वाली किधर गया मेरा हाथ, ये वाली। सो चलते हैं फटाफट से, ये रैपर उठा लेते हैं भैया की बोट। BMW गंदी नहीं करनी नाम अच्छा रखा है BMW। नहीं, इसमें आप जैसे बाइक के ऊपर जाते ना, चारों तरफ नज़ारा देखते हो, गाड़ी के अंदर आपको वो दिखाई नहीं देगा, जो बाइक के ऊपर आपको मजा आएगा। ये बात तो है, शिकारे में आप बैठ जाओगे ऐसे, वो हाँ पीछे वो तो पता ही नहीं, वो कहीं पता नहीं लगता। सो भी भैया कार्ड लेके आ रहे हैं, तब तक के लिए हम बात करते हैं। अभी मेरे को यहाँ से निकलना है सीधा जम्मू के लिए, तो पहले जाके मेरे को बैग ठीक करवाना है, क्योंकि मैंने अगर कल आपको नहीं बताया, बैग के तीन तनियों पे होता है वो बैग, तीन में से दो तनियाँ उसकी टूट गई है, एक जिंदा है। तो बैग फटाफट से ठीक करवाते हैं और फटाफट से निकलते हैं हम जम्मू के लिए। मौसम बहुत प्यारा है, अब इतनी ठंड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। सो अब क्या करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, दिस इज गुरप्रीत। अभी यहाँ से निकल के नई वीडियो शुरू कर देंगे। अच्छा पहले हम भैया से वो ले लेते हैं, कार्ड ले लेते हैं। ये हमारा कार्ड है। सो ये रहा कार्ड, अगर आपको बुक करनी हो तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। शिकारा भी बुक कर देते हैं, हाउस बोट भी चाहिए, ये वाली इनकी है, हाउस बोट चाहिए वो भी बुक हो जाएगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, दिस इज गुरप्रीत साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।